फ्रेंड्स, अक्सर फेज वर्ड को लेकर लर्नर्स कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि फेज वर्ड दिखने में कुछ और होते हैं और लगते कुछ और हैं। जैसे ड्राइव अवे। अब ड्राइव अवे एक फेज वर्ड है, जो इसे नहीं जानता है वो समझेगा ड्राइव मींस चलाना, अवे मींस आगे, यानी दूर जाकर चलाओ। लेकिन ऐसा नहीं है। ड्राइव अवे मींस भगा देना या खदेड़ देना, जैसे भारतीयों ने अंग्रेजों को भगा दिया या खदेड़ दिया। ब्रिंग अप। अब जो इस बात को नहीं जानता है वो समझेगा ब्रिंग मींस लाना, अप मींस ऊपर, जबकि ऐसी बात नहीं है। ब्रिंग अप एक फेज वर्ड है जिसका मतलब होता है परवरिश करना या पालन पोषण करना। फेज वर्ड अक्सर लर्नर्स के लिए सरदर्द का वजह होती है, क्योंकि ये दिखते कुछ और हैं और इनका मीनिंग होता कुछ और है। तो फ्रेंड्स, अगर इंग्लिश में फेज वर्ड नहीं होते तो क्या इंग्लिश की शान में कोई कमी आ जाती? क्या इंग्लिश का कुछ बिगड़ जाता? ऐसा मैं नहीं, मेरा दोस्त सोचता है। और हो सकता है कि जब मैं आपको ये टॉपिक पढ़ाऊं तो आप भी इस बात को सोचें। आज शाम मैं और मेरे दोस्त एक पार्क में थे और उनसे कॉन्वर्सेशन के दौरान मैंने एक सेंटेंस बोला और वो था आई एम एट होम विद यू। तो मेरे एक दोस्त ने मेरी तरफ देखा कुछ इस तरीके से मानो कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ। यानी मन ही मन वो मुझसे पूछना चाहता था कि मैंने ये क्यों बोला आई एम एट होम विद यू, जबकि मुझे ये कहना चाहिए था आई एम इन द पार्क विद यू, क्योंकि मैं उस वक्त उन लोगों के साथ पार्क में था। तो फ्रेंड्स, क्या आप बता सकते हैं कि मैंने क्यों बोला आई एम एट होम विद यू जबकि मैं घर पर नहीं था? फ्रेंड्स, मैंने इसलिए बोला क्योंकि एट होम एक फेज वर्ड है जिसका मतलब होता है कंफर्टेबल। यानी अगर कोई आदमी आपसे कहता है आई एम एट होम विद यू, तो फिर आपको समझना चाहिए कि वो आदमी कह रहा है आई एम कंफर्टेबल विद यू। यहाँ एट होम का मीनिंग घर पर होना से नहीं है। यहाँ एट होम का मतलब घर पर होना नहीं बल्कि कंफर्टेबल होना है। जैसे अगर आपको कहना हो वह मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं थी, तो आप ये कह सकते हैं शी वॉज नॉट कंफर्टेबल विद मी। लेकिन जरूरी नहीं कि सब ऐसा कहें। बहुत सारे लोग इस बात को ऐसे कहते हैं शी वॉज नॉट एट होम विद मी, यानी वह मेरे साथ एट होम नहीं थी, यानी कंफर्टेबल नहीं थी। फ्रेंड्स, अगर आप इस टॉपिक को शानदार तरीके से समझे तो क्या इस टॉपिक पर दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं? मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।